अस्य श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्वजं भूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए मंगलमूर्ति श्री गणेश जी महाराज। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी विराजिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की। रघुवीर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संत लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ।
mano ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ताली बजा के सब गाइए। Jai Ram, Jai Jai Ram.
लोग साथ में गाइए से रोग हरे
जपत निरंतर हनुमत बिना संकट से हनुमान छुड़ावे मन कम बचन ज्ञान के काज सकल और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सीध जगत राम को पावे जन्म जन्म के अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता चिंता धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे कृपा करो गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर कोई छूटे पाते महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो तुलसीदास पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर श्री राम जय राम जय
राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज दोचन कंज कर कंज पद कंजा कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट पीत मान हो तणित रुचि श्रुति नामी जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दैत्यवंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन हरण भव भय दारुणम प्रभु हरण भव भय
सदगुरु को भाव और श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए सदगुरु को प्रणाम करें उससे पहले मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें जिनकी कृपा से हम और आप सब इस संसार का सुख भोग रहे हैं। जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया, मानव शरीर प्रदान किया है, जीवन जीने के संस्कार दिए, ऐसे माता पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए फिर जिन चरणों में भी बैठ करके हम और आप सबने नर्सरी से लेकर के जहां तक की भी शिक्षा ग्रहण करी है, जिन्होंने हमें शिक्षित किया है, जो याद है जो नहीं याद है, व्यवसाय में, नौकरी में अथवा तो जिस क्षेत्र में भी हम और आप सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और जिन लोगों के भी मार्गदर्शन में हम और आप सबने अपना अपना जीवन जिया है, जो याद है जो नहीं याद है, उन सब के लिए मंगल कामना करते हुए फिर हमारे आपके जो भी सदगुरु हों, जिन संतों के, जिन आचार्यों के, जिन महापुरुषों के चरणों में आपकी खूब निष्ठा हो, ऐसे सभी महापुरुषों को भाव और श्रद्धा के साथ नमन करते हुए बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास समन सकल भव रुज परिवारु गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमिय त्रिग दोष विभंजन तिरकर विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भव मोचन वर्णौ राम कथा वर्णौ राम कथा भव मोचन मंगल भव जय 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 हनुमान गोसाई जय जय सब गाइए
भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है। भगवान का न कोई नाम है न कोई रूप है। भगवान वो है जो सबका मंगल करता है, अमंगल का हरण करता है, वो भगवान कहलाता है। अथवा तो संसार में कोई भी व्यक्ति जो सबका मंगल करे अमंगल का हरण करे, ऐसा व्यक्ति संसार में भगवान बन जाता है। और ऐसे भगवान का नित्य जाप गौरी शंकर करते हैं। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तो भगवान का भजन, भगवान का व्रत, भगवान का जप गौरी शंकर के साथ करो। लेकिन हमारे और आप सबके जीवन में गौरी शंकर कौन है? गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस प्रारंभ करी तब ऐसे गौरी शंकर को प्रणाम किया है जो श्रद्धा और विश्वास के रूप है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा सांथस्थमीश्वरम। भगवान का व्रत करो, भजन करो, जप करो, कथा सुनो तो श्रद्धा और विश्वास के साथ। यानी हमारे जीवन की श्रद्धा ही गौरी है और हमारे जीवन का विश्वास ही शंकर है। यदि भगवान का व्रत पूजन करने में, कथा सुनने में, भजन करने में, सत्संग करने में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भजन करने का, व्रत करने का, जप करने का कोई फायदा नहीं। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत गाइए, उमा सहित जहि ताली बजा के भाव से गाइए। उमा सहित जहि जपत पुरारी, राजा
अल्पज्ञ मैं हूँ सर्वज्ञ
भाग्य हो तुम अलभाग्य मैं हूँ सर्वभाग्य हो तुम मैं अल्पज्ञ मैं हूँ सर्वज्ञ हो तुम अल्पज्ञ मैं हूँ सर्वज्ञ हो तुम अज्ञान का पर्दा हट जाए अज्ञान का पर्दा हट जाए एक तेरा उजियारा मिल जाए अज्ञान का पर्दा हट जाए एक तेरा उजियारा चारों युग पर ताप तुम्हारा चारों युग पर ताप तुम्हारा है परसीम जगत उजियारा प्रभु है परसीम जगत उजियारा अज्ञान का पर्दा हट जाए अज्ञान का पर्दा हट जाए एक तेरा उजियारा भवसागर में बहती नैया को किनारा मिल जाए भवसागर में बहती नैया को किनारा मिल जाए बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य इस दुर्लभ अवसर पाकर भी इस दुर्लभ अवसर पाकर भी कोई उत्तम कर्म कमान सदा कोई उत्तम कर्म इस दुर्लभ अवसर पाकर भी कोई उत्तम कर्म कमान सका कोई उत्तम कर्म कमान सका और फल क्या हुआ फल ये हुआ अपने मेरे कर्म ऐसे हो गए अपने मुझको अपना न सके औरों का उलाहना क्यों कर दूं औरों का उलाहना अपने मुझको अपना न सके औरों का उलाहना सर्ववरों का दाता है तू सर्ववरों का दाता है वरदान तुम्हारा मिल जाए तू सर्ववरों का दाता है वरदान तुम्हारा मिल जाए तो भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम इस दुर्लभ अवसर पाकर भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा बड़े भाग्य से मानव देह मिली लेकिन हमने किया क्या जिस देह को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं इस दुर्लभ अवसर पाकर भी कोई उत्तम कर्म कमा न सका कोई उत्तम कर्म कमा न सका और जब समय निकल जाता है बाल सफेद हो जाते हैं घर वाले भी दुत्कारने लग जाते हैं संसार में कोई पूछने वाला नहीं रहता तब भगवान याद आता है अब दिल की तड़प ये कहती है अब दिल की तड़प ये कहती है कहीं प्रीतम प्यारा मिल जाए अब दिल की तड़प ये कहती है कहीं बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए एक तेरी दया का दान मिले एक तेरा सहारा मिल जाए एक तेरा सहारा मिल जाए तो भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा नैया को किनारा मिल जाए नैया को किनारा मिल जाए बलिहारी गुरु आपकी जिन्ह गोविंद दियो बताए इसलिए संतों के पास जाएं सत्संग में जाएं और जाकर के क्या सीखना चाहिए सत्संग में जाकर के संतों के पास जाकर के क्या सीखना चाहिए अथवा तो संतों को क्या सिखाना चाहिए अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले 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 जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले जिंदगी में किसी के काम आना सीख ले जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले अपने दुख पे ताली बजा के सब लोग गाइए अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले जिंदगी में तू तो
खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, 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 अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना 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 सीख ले। राजा राम जीवन मानव का मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमको और आपको पता ही नहीं। इस बार तो मिल गया, इसलिए अभी और इसी समय बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। राजा राम नसीबों पर रहम कर, गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम कर, गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम कर, गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए,
भला बद नसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम। भगवान कहाँ मिलता है? सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हाथों में ऐसी शक्ति दो कि मैं समाज की परिवार की सेवा कर सकूं, क्योंकि सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बस ये चार बातें कोई महापुरुष हमें सिखा दे, और इसीलिए कहा एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए तो भवसा नैया को किनारा मिल जाए, भव सागर में बहती बहती नैया को किनारा मिल जाए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय हो, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय, सप्तऋषियों तुम्हारी जय हो, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी ऋषियों तुम्हारी जय जय हो, सभी संतों तुम्हारी जय जय हो, सभी पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम तो मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हनुमंत जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए श्री हनुमान जी की कृपा से पुनः हम सबको इस वर्ष प्रतिवर्ष की भांति भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है। हम और आप सब एक साथ मिलकर के श्री हनुमान जी के चरित्र श्रीमद् मानस सुंदर कांड का गायन इस पावन पुनीत प्रांगण से श्री बाबूलाल भगवती सोनी ट्रस्ट के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। आप सबको आज के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए
हनुमान जी के चरणों की अखंड भक्ति आप सबको मिले, ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए व्यक्ति का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? सबका, रावण का तो जन्मदिन हम नहीं मनाते। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान थे, गुणी थे, अति चतुर थे। और रावण भी विद्यावान था, गुणी था, अति चतुर था, लेकिन जन्मदिन तो श्री हनुमान जी का मनता है, रावण का तो मनता नहीं। कारण सिर्फ इतना है कि श्री हनुमान जी ने अपनी विद्या का, अपने गुण का, अपनी चतुराई का सदैव राम कार्य में प्रयोग किया। राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी ने अपनी विद्या का, अपने गुण के, चतुराई का सदैव सदुपयोग किया कि दूसरों को इससे सुख कैसे दिया जाए। और रावण ने सदैव अपनी विद्या का, अपने गुण का, अपनी चतुराई का दुरुपयोग किया, दूसरों को कैसे दबाया जाए, दूसरों को कैसे दुख दिया जाए, दूसरों को कैसे लूटा जाए। और हनुमान जी बन गए, नहीं, व्यक्ति अपने कर्मों से ही पूजनीय बनता है, व्यक्ति अपने कर्मों से ही। कारण होते इसलिए श्री हनुमान जी ने क्या कर्म किए, क्या चरित्र किए, इस चरित्र के कांड का नाम सुंदर कांड है। एक बंदर ने ऐसे कर्म जीवन में किए कि बंदर के चरित्र के कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। यानी सुंदर कांड की कथा और कुछ नहीं है, बंदर से सुंदर कैसे बना जाता है, इस चरित्र के कांड का नाम सुंदर कांड है। हम सबको तो भगवान ने सुंदर बना करके, मानव बना करके धरती पर भेजा, लेकिन हम सबकी दशा क्या हुई? अपने मुझको अपना न सके, औरों का उलाहना क्यों कर दूं? अपने मुझको अपना न सके, औरों का उलाहना क्यों कर दूं? अब दिल की तड़प ये कहती है, कहीं प्रीतम प्यारा मिल जाए। हनुमान जी के चरित्र से हम और आप सब सीखें कि जीवन के कर्म कैसे होने चाहिए, ये सुंदर कांड से सीखें। इसलिए आज के सुंदर कांड के मूल अर्थ, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, सब गाइए नाच में, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान राम काज करिबे को आतुर। लेकिन हनुमान जी ने कभी अपने कर्मों की बड़ाई ये नहीं कही कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। कार्य किया, लेकिन कार्य करने के बाद इसका बखान अपने मुख से कभी नहीं किया।
तो हनुमान जी के चरित्र का बखान किसने किया? रघुपति की ने बहुत बड़ाई, रघुपति की ने सब गाइए, बहुत बड़ाई रघुपति की ने बहुत बड़ाई, रघुपति की ने बहुत बड़ाई। भगवान को लगा कि हनुमान जी ने जो किया है ये कम है, बड़ाई करने के बाद छोड़ा नहीं। फिर हनुमान जी को एक सर्टिफिकेट दिया, तुम मम प्रिय भरत समभाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। हनुमान जी के कर्म ऐसे थे कि भरत के बराबर ले जाकर के हनुमान जी को बिठा दिया। तुम मम प्रिय भरत के बराबर बिठाने के बाद फिर भी भगवान को लगा ये भी कम है, फिर आशीर्वाद दिया। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, सहस्र बदन तुमरो यश गावे, सहस्र बदन तुमरो यश गावे। सब लोग गाइए, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं इसलिए सब लोग गाइए। एक दिन आप हनुमान जी के लिए गाइए, बाकी 364 दिन हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, सहस्र बदन तुमरो यश गावे। भगवान को लगा ये भी कम है, सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे। और इसीलिए आज विश्व में जितना सुंदर कांड और हनुमान चालीसा गाई जाती है, दूसरा कोई चालीसा या स्तोत्र नहीं गाया जाता। कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है, यहां तक कि हमारे ज्योतिष विद्या के जितने भी आचार्य लोग हैं, आप टीवी पे देखते होंगे, सभी कुछ अपने बताते कि ये मंत्र करो, ये मंत्र करो, यदि इससे फायदा न होता हो तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा करो, आपको फायदा होगा ही, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। केवल भरोसा करिएगा। सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे, सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे। और भगवान को यहां पर भी इतना बोलने के बाद, राम जो दो भुजा वाले थे, हनुमान जी के आगे खड़े थे, उस राम को भी अपने दो भुजा वाला रूप छोड़ना पड़ा, चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हो गए, आदि नारायण प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, अस कही श्रीपति। यहां राम कंठ से लगावे नहीं लिखा, श्रीपति यानी नारायण खड़े हो गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, अस कहि श्रीपति ऐसे हनुमान जी जिनका हम और आप सब आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिसको भगवान अपने कंठ से लगाते हैं, आदि नारायण।
कंठ से लगाते हैं, और हमारे आपके कर्म तो ऐसे हैं कि अपने घर वाले भी कंठ से नहीं लगाते, फिर हमारा क्या होगा सोचिएगा। इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर होने के बाद जीवन में क्या करना चाहिए इस पर विचार करें। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, हे राम काज करी बेको आतुर, राम काज करी बेको आतुर, हे राम काज करी बेको आतुर, राम काज करी बेको आतुर। कितने काम करते हैं हनुमान जी, ना सहे रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा, हम क्या करें केवल जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जिसके नाम में इतनी ताकत है संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, हम क्या करें मन ब्रह्म वचन ध्यान जुलावे, मन ब्रह्म वचन ध्यान जुलावे, इतनी तो ध्यान करने से ताकत आ जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, दुर्गम काज जगत के जे जे, दुर्गम काज जगत के जे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे दे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे, यानी सब सुख लहे, यही है मंगल भवन अमंगल हारी, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो तो डरना, तुम रक्षक का हो तो डरना, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी देखो आतुर, राम काज करी ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, ऐसा है विश्वास हमारा, ताली बजा के गाइए, राम भक्त बजरंगपति को वहां वहां मैं पाऊंगा, राम भक्त बजरंगपति को, ताली दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए, जय बजरंगबली बोलो, जय बजरंगबली बोलो, भाव
गांव गांव और गली गली में बजरंगी का जोर है, गांव गांव और गली गली में बजरंगी का जोर है, मेरे बाबा का जोर है, बाबा का जोर है, गांव गांव गली गली है, गांव गांव और गली गली में बजरंगी का जोर है, गांव गांव और गली गली में बजरंगी का जोर है। जिधर भी देखूं उधर बलि के रस में सभी विभोर हैं, जिधर भी देखूं उधर बलि के रस में सभी विभोर हैं, अरे जहां मिलेंगे इनके प्रेमी, जहां मिलेंगे इनके प्रेमी, जहां मिलेंगे इनके प्रेमी, जहां मिलेंगे इनके प्रेमी, मैं भी वहीं रम जाऊंगा, हो राम भक्त बजरंग बलि को वहां वहां मैं पाऊंगा। जय बजरंग बलि बोलो, जय बजरंग बलि। Jai Hanuman, 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 Jai Hanuman,
काज करिबे मोहानु। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे, सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, 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 कंठ लगावे, कंठ लगावे, कंठ लगावे, कंठ लगावे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। इन अर्धाली को मूल में रख करके आज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम और आप सब श्रीमद्भागवत सुंदरकांड में आइए भाव और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी हृदय विराजो आ। हम और आप सब भोपाल की इस पावन भूमि को छोड़ करके मानसिक रूप से रामेश्वरम के समुद्र के तट के ऊपर बंदर भालू के रूप में चले, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है और विचार विमर्श चल रहा है कि लंकापुरी मां जानकी का पता लगाने के लिए जाए कौन। उसी बंदर भालुओं की सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल कर लें और चलें हनुमान जी के साथ श्रीलंका। कोई बंदर खड़ा हो बोले 40 योजन तक उड़ान भर सकता हूं, कोई कहे 60 योजन तक उड़ान भर सकता हूं, कोई कहे 70 योजन तक उड़ान भर सकता हूं, सब अपनी अपनी ताकत बता रहे। इसी में जामवंत जी भी खड़े हुए, सबसे बड़े और बूढ़े हैं, और उन्होंने कहा बलि बांधे सी प्रभु बाढ़े यहू। सब लोग अपने अपने सुंदरकांड की पोथी खोले और सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। बलि बांधे सी प्रभु बाढ़ सोतन बरणी न जाय उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिणी धार। जामवंत जी ने खड़े होकर के कहा, थोड़ी आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए इसमें, यहां पर ज्यादा इसमें कम कर दीजिए। जामवंत जी ने कहा कि राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था, इको बहुत हो रहा है, और विराट रूप धारण करके दो पग में धरती और आकाश को नाप लिया था, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके एक सांस में मैंने परिक्रमा करी थी, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल, और बैठ गए। फिर अंगद खड़े हुए, सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, उन्होंने कहा अंगद कहें जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिर तीबारा। अंगद ने कहा मैं लंकापुरी जा सकता हूं, ये पहला बंदर ऐसा निकला जिसने कहा कि मैं लंकापुरी 100 योजन का समुद्र पार करके जा सकता हूं, तो सब खुश हो गए। लेकिन अंगद ने कहा लेकिन मुझे जाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं, जी ये संशय कछु फिरती बारा, वापस आने में तकलीफ है। तब सभी बंदर भालुओं ने अंगद से पूछा
रावण से डर लगता है? तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने सुना है कि रावण की लंका में इतना सुख, इतना वैभव, इतने भोग और विलास की वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना तप भूल जाते हैं। मेरी क्या औकात है? मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस इस जंगल में आने को करे न करे, मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। इसलिए जामवंत कह तुम सब लायक, पठई यही सब ही करना। इसलिए जामवंत जी, आप हम सब में बड़े और बूढ़े हैं, आप बताएं कि हमें से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी इस जंगल में वापस आ सके, ऐसा कौन है? तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की ओर देखा, जो सबसे पीछे बैठे राम नाम की मुद्रा मुख में डाले केवल एक ही काम कर रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग गाइए, आवाज आनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं नीच पति सुन हनुमाना, का चुप साजि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, गुरु विवेक भी ज्ञान निधाना। कवन सोताज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताक तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुन दही भयउ पर्वता। जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया, कहा आप बल बुद्धि और विज्ञान के निधान हैं। हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन जामवंत जी ने जब कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, आपका जन्म महाराज केवल राम कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी के कान में जब ये शब्द पड़े कि मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, खड़े हो गए। जय श्री राम जय श्री राम, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर के ताली बजाते हुए हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। ऐसा लगा समुद्र के तट के ऊपर मानो कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। कनक मरण तन तेज बिराजा, मान हुआ पर दिन में कर राजा। जय श्री राम 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 जय श्री राम। भयंकर गर्जना करने लगे हनुमान जी समुद्र के तट के ऊपर, मानो सौ योजन के समुद्र को भी हनुमान जी पी जाएंगे। सिंहनाद कर पारही पारा, लीलया नहीं चल निधि धारा। जय श्री राम 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 जय श्री राम। और जामवंत जी को हनुमान जी ने कहा कि आप आज्ञा करो, पर रावण को सेना सहित मार करके
पूरी त्रिकोट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं, फिर ढूंढ लेना मां जानकी कहां बैठी है। ऐसा ही तो सहाय राव नहीं मारी, आन हुई हाथी भूत उखाड़। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये सारे काम जामवंत जी मैं अकेले कर सकता हूँ मेरे प्रभु की कृपा से, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी सोई हुई शक्ति को जागरूक किया है, इसलिए आप मुझे उचित सिखावन दो कि मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। जामवंत मैं पूछू तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, उचित सिखावन दीजो प्रभु, उचित सिखावन दीजो। मुझे उचित सिखावन दो कि मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप कहें तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकुट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं, लेकिन मुझे समझाएं करना क्या है। तब बस जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यही गुरु बताता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक शक्ति होती है, अपना एक बल होता है। किसी के पास बुद्धि का बल, किसी के पास विद्या का बल, किसी के पास धन और पद का बल, किसी के पास मान और प्रतिष्ठा का बल, किसी के पास भक्ति का बल, किसी के पास शरीर का बल, लेकिन जीवन में अपने बल का उपयोग कितना करना चाहिए यही गुरु बताता है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति का, अपने बल का दुरुपयोग करने लग जाता है, मर्यादा का उल्लंघन करके अपनी शक्ति का उपयोग करने लग जाता है, तो जगत में वही व्यक्ति रावण बन जाता है। और जो अपने सदगुरु से पूछ करके अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति जीवन में हनुमान बन जाता है। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं, और श्री हनुमान जी ने जब भी कोई काम किया तो पूछ करके किया। मुझे बताओ करना क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम्हें मेरी क्या सेवा चाहिए मुझे बताओ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बस हम और आप भी अपने आप से पूछिए आज रात को। हम और आप अपने परिवार में, समाज में जीवन जीते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम रावण हैं कि हनुमान हैं? हम क्या करते हैं ये अपने आप से पूछिएगा। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, आपको कुछ नहीं करना, इतना करो उतार तुम जाई, सीता देखे करो सुनी आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे सहज कपि सेना, कपि सेन संग संघारी जिस करु राम आन है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि प्रधान, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि रघुवीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावहि। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को कहा, आपको कुछ भी नहीं करना, आप जाकर के केवल मां का पता लगाओ, पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे। ऐसी जब सिखावन जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को दी, हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सुंदरकांड की पहली अर्धाली ने जन्म लिया। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सभी बंदर भालुओं ने जब हनुमान जी को प्रसन्न देखा तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जयकार करी, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है तो तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करई त्रिशिराज। उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं, कोई भी मनोरथ हो। हनुमान चालीसा में लिखा है और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई लावे, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो कोई लावे, तो फिर तुरंत प्रश्न आएगा कथा किसकी सुने। सत्यनारायण की कथा सुने कि भगवान राम की रामायण सुने, अथवा तो भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुने जिससे मनोरथ पूरे हो जाए। भगवान कौन है? तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया है। नीलोत्पल तनुश्याम, जिसके तन का रंग नीला है। काम कोटि शोभा अधिक, सुंदर मूर्ति ऐसी है कि करोड़ों करोड़ कामदेव भी जिस छवि को देख करके मोहित हो जाए। सुनियता सुगुण ग्राम, ऐसे प्रभु के गुणगान, ऐसे प्रभु के चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिक, जिसका नाम जीव को समस्त विकारों से मुक्त कर देता है, ऐसे प्रभु की कथा सुनो। नाम नहीं बताया, केवल नीला रंग बताया कि भगवान के तन का रंग नीला है। और नीला रंग इसलिए बताया कि नीला रंग तीन वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता। ईश्वर एक है, ईश्वर के नाम और रूप अनेक है। हमारे महाराष्ट्र में इसकी थोड़ी आवाज कम कर देना भैया, इको बहुत हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र के एक संत हुए तुकड़ोजी महाराज, और उन्होंने उदाहरण दिया, सागर से उठा सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, फिर नहरें बनी नदियां गहरी, फिर नहरें बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू। ताली बजा के गाइए भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण।
बद्री नारायण भगवान राम की कथा गाने जा रहे हैं, ऐसे नीले वर्ण के भगवान राम को प्रणाम करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाम। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया है और सुंदरकांड में प्रवेश किया। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य मनीषम वेदांत वेद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। सुंदरकांड के प्रारंभ में प्रभु पहले ऐसे भगवान को प्रणाम किया है जो जीवन में शांति प्रदान करते हैं। भगवान शांतागार है, भगवान ही शांति प्रदान करता है। और फिर सुंदरकांड में मांगना सिखाया है कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। नान्यास प्रिहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे मन में इसके सिवाय और कोई भी इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा, मैं सत्य कहता हूं क्योंकि आप मेरे अखिल मन को जानने वाले हैं। प्रभु आप अंतर्यामी हैं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में, मेरे जीवन को आप अपनी भक्ति से भर दो। लेकिन भक्ति देने से पहले कामादि दोष रहितम कुरुमान संच, मेरे मन को आप कामनाओं और वासनाओं से पहले खाली करो और फिर उसमें अपनी पवित्र भक्ति दो प्रभु, ताकि मैं आप पर भरोसा कर सकूं। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने जब आरती लिखी कि घर घर में जब आरती गाई जाए तो अंत में यही मांगा है, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुरुमान समच, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे।
और फिर श्री हनुमान जी की वंदना करी है। हनुमान जी की वंदना क्यों करी? इसलिए करी कि भगवान से मांगने के लिए भी तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, और भगवान के भक्ति मार्ग में हम और आप तब तक प्रवेश ही नहीं कर सकते जब तक हनुमान जैसा कोई सदगुरु हमारा हाथ नहीं पकड़ता है। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, जब होत ना क्या बिनु पैसारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। इसलिए हनुमान जी की वंदना करी। अतुलित बल धाम हेम शैला भदेहम, तनुज बन पिसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अजीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी की वंदना होते ही देखे पटाखे छूटने शुरू हो गए, ये जन्मदिन मनना शुरू हुआ। गाइए, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। ताली बजा के सब लोग गाइए, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, 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 और चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, 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 लाल सिंधु के भाव से लड्डुवन का भोग हनुमान जी राम राम, 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 जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम। जय जय।
भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, 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 भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, 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 हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। आज सत्संग में बैठे हैं जितने, आज सत्संग में कितने बैठे हैं जरा हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए बताएं। सब लोग एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हनुमान जी को बताइएगा। जय हनुमान, जय हनुमान। सत्संग में बैठे हैं जितने, आज सत्संग में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, हाँ पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी के जन्मदिन की रिटर्न गिफ्ट, आज सत्संग में बैठे हैं जितने, आज सत्संग में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, हाँ पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, हाँ पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, हाँ पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर, तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर, बाबा तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर, तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर, फर्ज अपना अदा कर रहा, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, 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 सबके
हकी दुआ कर रहा हूँ, सत्य हकी दुआ कर रहा हूँ, सत्य हकी दुआ कर रहा हूँ, सत्य हकी दुआ कर रहा हूँ। हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख दंड मूल बल खाई। सब लोग आइए, जब लगे आवासी तही देखे, होई है काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाए सबने कहूँ माता, चले वो हर्ष ही अधर रघुनाथा, तो तेर एक भूधर सुंदर को दुख कूद चढ़ाऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, कर के पवन तनय बलवारी, यही गिर चरण दे हनुमाता, चले सोरा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भात चले हनुमाना, जलन भी रघुपति दूर बिचारी, जय नाग होइ शंभारी, हनुमान रही पर कर पुनि की न प्रणाम, राम काज की है भरी है बदन पसारा, कपे तन की न दुगुन बेसारा, सो रह जो जन मुख दई भय हो, दुरत भवन सुत पद से भय हो, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, सास दून कपि रूप दिखावा, सतयोजन दही आनन की ना, अतिलक रूप पवन सुत बदन बैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा, मोहि सुरन जही लागी पठावा, उदे बल मरम तोर पावा, राम काज सब करिया तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो परश चले हनुमान, यही विधि सदा गगन चरनाई, सोई छल हनुमान कहन कीना, तासु कपट कपि दुर तही कीना, ताहि मारी मारुत सत वीरा, बार भी पार गयो मत वीरा, कहाँ जाई ने जीवन नाना तरु फल चढ़ी लंका नहीं देखी, कहीं न जाए अति
अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोटि कर कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट हट सुभट बीजी चारों पुर बहु रघुवीर सर तीरथ सरीरन हनुमान जी ने सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त किया। सिंहिका को मारा, लंकापुरी पहुंचे, एक शिखर के ऊपर खड़े होकर के पूरी लंका का दर्शन किया। प्रवेश करना मुश्किल तो हनुमान जी मन ही मन में सोचने लगे, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके रात के अंधेरे में बिल्ली की तरह चुपचाप यदि मैं लंका में प्रवेश करूं तो शायद न पकड़ा जाऊं, ऐसा निर्णय हनुमान जी ने किया। अब प्रश्न यह है, आप सब सुंदर कांड करते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि हनुमान जी ने ऐसा निर्णय क्यों किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके रात के अंधेरे में लंका में मैं प्रवेश करूं ताकि पकड़ा ना जाऊं? तो क्या हनुमान जी को रावण से डर लगता था? और यदि हनुमान जी को रावण से डर लगता था तो अकेले आने की जरूरत ही नहीं थी, दो चार बंदर भालू को साथ में लेकर के आते। तो हनुमान जी ने ऐसा निर्णय क्यों किया, जैसे थे वैसे चले जाते? ऐसा निर्णय क्यों किया कि मच्छर से भी छोटा अति लघु रूप धारण करके अंदर प्रवेश करो? हनुमान जी का मत यह है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले श्री हनुमान जी यदि चाहते तो रावण की लंका में 100 योजन के बड़े बन करके जाते और रावण की लंका पर यदि अपना पैर भी रख देते तो रावण की लंका खत्म हो जाती। इतनी सामर्थ रखने वाले श्री हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करूं। हनुमान जी का मत यह है कि जीवन में चाहे आपको कितनी ही सामर्थ्य क्यों ना मिल जाए, अपनों के घर नहीं अपने दुश्मन के भी आंगन में जाओ तो बिल्कुल छोटे बन करके जाओ। हमारे और आपके जीवन में थोड़ी सी संपदा, थोड़ी सी प्रभुता, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, थोड़ा लोग पूछने लग जाते हैं तो उसका दिखावा हम अपने सगे संबंधियों के सामने करना शुरू कर देते हैं कि देखो मेरे में कितनी सामर्थ है। लेकिन हनुमान जी का मत यह है कि आपको भगवान की कृपा से चाहे कितनी ही सामर्थ क्यों ना मिल जाए, अपनों के घर नहीं अपने दुश्मन के आंगन में भी जाओ तो बिल्कुल छोटे यानी विनम्र बन करके जाओ। विनम्र बनकर के जाएंगे तो वहां पर भी आपका स्वागत होगा और बड़े और सामर्थ्यवान बनकर के आप अपने घर भी जाएंगे तो वहां भी कोई पूछने वाला नहीं। मसक समान रूप कपि धरि लंका चले सो मेरे नर हरि नाम लंकनी एक निसचरी
सो कही चल से मोहिने जान ही नहीं पर मूसठ मोरा मोर आहार जहार की चोरा मुठिका एक महाकवि रुधिर मत धरनी मानी पुनि संभारी उठी सो लंका चोरी पाण कर हनुमान जी ने मच्छर से भी छोटा रूप धारण किया लंका में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश ही किया था कि लंकनी ने पकड़ लिया इतने छोटे बन करके गए फिर भी पकड़ लिए गए और लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ करके कहा मैं चोर को ही खाती हूं मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी मन ही मन में सोचने लगे कि लंकनी अगर तू चोर को ही खाती है तो पहले रावण को खा जो मेरी मां को चुरा करके लाया है। चोर की तू नौकरी करती है और मुझे चोर कह करके रोकती है और एक ही काम करने वाले एक ही सेम प्रोफेशन में दो व्यक्ति कम से कम आपस में प्रोफेशनली झूठ नहीं बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा ये मेरे से ही झूठ बोलती है क्योंकि लंकनी की आज्ञा के बिना लंका में कोई प्रवेश कर सकता नहीं और हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम द्वार में कोई प्रवेश कर सकता नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। एक है राम का दूत एक है काम का दूत। आज काम के दूत ने राम के दूत को पकड़ लिया। काम सबको पकड़ लेता है। व्यक्ति चाहे कितना ही सूक्ष्म बन करके भक्ति क्यों ना करे कहीं ना कहीं कामनाएं और वासनाएं पकड़ ही लेती। हनुमान जी भी पकड़े गए और लंकनी ने जब कहा मैं चोर को ही खाती हूं तो हनुमान जी ने कहा लंकनी तू मेरे से ही झूठ बोलती है सेम प्रोफेशन में है ना। इसलिए हनुमान जी ने लंकनी को बिठा करके लंका की ड्योढ़ी पर पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता जय जय रघुपति राघव राजा। सब लोग आइए कभी किसी को मारते नहीं केवल बिगड़ी हुई बुद्धि का सुधार करते हैं और सदगुरु यही करता है। कुमति निवारी सुमति के संग कुमति निवारी सुमति के संग वही लंकनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी जब रावण ही ब्रह्म पर दीना चल बिरंज पिकल हो सीते कपि के मारे तब जाने चल संगारे। और लंकनी ने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके चरणों को पकड़ करके कहा तात मोर अति पुण्य बहुता दे रहो नैन राम दर दूता। प्रभु आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए जो आज मैंने राम दूत के दर्शन किए और लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया। जीवन ऐसा बने कि अपनों के घर नहीं अपने दुश्मन के भी आंगन में जाकर के खड़े हो तो वहां पर भी आपका स्वागत हो। आज हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने लंका की ड्योढ़ी पर किया। हनुमान तुम्हारी जय जय हो हनुमान। ताली बजा के गाइए
हनुमान तुम्हारी जय जय हो। और लंकनी ने सत्संग की महिमा का बखान किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकनी ने कहा, हनुमान जी तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का और मोक्ष का सुख रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर सत्संग के एक क्षण का सुख रखा जाए तो सत्संग का सुख कहीं भारी होता है। हनुमान जी ये मैं जानती हूँ, क्योंकि रावण के सभी सुखों को मैं भोगती हूँ, लेकिन रावण के सुखों ने भी आज तक मुझे वो शांति प्रदान नहीं करी जो आपके साथ सत्संग करके मुझे प्राप्त हुआ है। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान और लंकनी ने हनुमान जी से कहा, प्रभु आज तक तो हम रम पीते रहे, भोग भोगते रहे, शांति नहीं मिली। मुझे पता है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। प्रभु आज आप हमें राम रस पिलाओ। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी। ताली बजा के गाइए, राम नाम की मस्ती पिला दे, राम नाम की मस्ती पिला दे, राम नाम हरि नाम, राम नाम की मस्ती पिला दे, हरि नाम की मस्ती। महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती। सीताराम 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 भक्ति रस को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते, भक्ति रस को सिर जाए तो बेशक जाए शिकवा कभी न करते, सिर जाए तो बेशक जाए शिकवा कभी न करते, तेरे हवाले प्रभु तेरे हवाले, तेरे हवाले कर दी हमने, तेरे हवाले कर दी अपनी जीवन कश्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती। सीताराम 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 सीताराम, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर के ताली बजाते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे नगर की जय, सबका जा हृदय राग कौशलपुर राजा कर सुधारन करहि मिताई गोपद सिंधु सिलाई कर सुमेरे संताई दाम कृपा कर जितवा जाई, अलग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुख भगवाना, मंदिर मंदिर सज कर सोधा देखे जाता अग्नि जोधा गय उदान मंदिर माही लगन जन सैन किया देखा कब देहि मंदिर मोहन दीख मै देहि भवन एक पुरी दीख स्वाहा हरि मंदिर जाय बिन बनावा, रामायण अंकित गृह शोभा वर्धित जाए, नव तुलसी का वृंद कहां देखर सुंदर, बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।
लंका निश्चर नगर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन मोहन करे कमला कर राम राम ते सिमरन कीना हृदय हर्ष कम सज्जन कीना एक हर करिया पहचानी साधु ओंकार जानी भक्त रूप धरि भजन सुनाए संत भीषण उठता आए हरि प्रभु पूजी तुझलाई विप्रभु जा बुलाई की तुम हरदासन मां कोई ओरे हृदय प्रीत अधोई की तुम राम की अनुरागी आयो कोई कर प्रभागी लंकनी की बुद्धि को दीक्षित करके श्री हनुमान जी विभीषण के आंगन में ब्राह्मण के रूप में पधारे। अपने घर के आंगन में एक ब्राह्मण को खड़ा देख विभीषण जी पूछने लगे, प्रभु आप हैं कौन? आपको देख करके मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा है। आप भगवान हैं, मुझे बड़भागी करने आए हैं, प्रभु आप हैं कौन? हनुमान जी को लगा कि इसके सामने पर्दा रखना ठीक नहीं। अपने मूल स्वरूप में हनुमान जी प्रकट हुए और पहली राम कथा विभीषण के आंगन में गाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा गाई हनुमान जी ने। पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया और पहली राम कथा विभीषण के आंगन में जाकर के गाई। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भारत की एक सदनारी की हम कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। भारत की एक सतनारी की हम कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। मिथिला की राज तुलारी की हम व्यथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। मिथिला की राज तुलारी व्यथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। शिव धनुष राम ने तोड़ा, शिव धनुष राम ने तोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा। जनकपुरी से कोमल थी वो कली सुखों में पली। भारत की एक सतनारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। विभीषण जी रोने लगे। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण जी के कंधे पर हाथ रख करके पूछा, विभीषण यहां रहते कैसे हो? मैंने तो पूरी लंका घूम करके देखी है, हर जगह भोग ही भोग देखे, आप जैसा भक्तिमय व्यक्ति यहां रहता कैसे? विभीषण ने रोते हुए कहा, प्रभु जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मेरी रहनी है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन महजी बिचारी, तात कब हम ही जानी अनाथा, करे कृपा भाव कुल दाता। जे तामस तन कछु साधन नाही, दीन न पद सरोज मन पाई, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं सकता।
सुना हो विभीषण प्रभु कह दी करहि सदा सेवक पर प्रीति एक कहूं कवन मैं परम कुलीना कवि जन शल सब रे आम्राट ले जो दाम हमारा विभीषण ने कहा प्रभु आज मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो आप जैसे संत का पदार्पण हुआ हनुमान जी ने कहा तुम्हारे जैसे पर कभी राम कृपा न करे विभीषण तू राम का भजन करता है लेकिन भरोसा तो तू रावण का करता है भजन तू राम का करता है भरोसा तू रावण का करता है ऐसे जीव पर कभी राम कृपा नहीं करते विभीषण एक बार तू राम पर भरोसा भी कर तू मेरी तरफ देख मैं एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला बंदर संयोजन का समुद्र पार करके तुम्हारी लंका में मैं आया पूरी लंका में मैं घूमा और रावण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका ये मेरी ताकत नहीं थी विभीषण हमारे निर्बल के बलराम हमारे ताली बजा के गाइए हमारे निर्बल के बलराम हमारे निर्बल के बलराम विभीषण जी को हनुमान जी ने यहाँ पर मंत्र दिया है तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना मंत्र क्या दिया उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत उठत उठत बैठत सोवत जागत उठत सब गाइए जी जपो निरंतर नाम हमारे इतनी जोर से गाइए कि भोपाल में पता लगे कि हमारे बलवान कौन है हमारा बल कौन है हमारे निर्बल के बलराम सब लोग गाइए हमारे निर्बल के बलराम हमारे निर्बल के बलराम हमारे निर्बल के बलराम जय हो हमारे निर्बल के बलराम उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत जपो निरंतर नाम हमारे दिल हमारे निर्बल के बलराम हमारे निर्बल के बलराम हमारे हमारे निर्बल ओ हमारे हनुमान जी ने कहा असमय अधम सखा सुन विभीषण को मित्र बना लिया और कहा असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर मेरे जैसे अधम बंदर पर यदि राम कृपा कर सकते हैं विभीषण तो तुम्हारे पर कृपा क्यों नहीं करेंगे कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर एक बार भरोसा करके तो देख हमारे निर्बल के बलराम देखी मन ही मन की न प्रणामा जटा एक देनी
पद नयन दिए मना राम पद कमल लीना परम दुखी भा पवन सुख ते जान के दिए। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे, दूर से माँ के दर्शन किए, मन ही मन में प्रणाम किया। सुंदर कांड में पहली बार माँ का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए दोनों हाथों को एक बार ऊपर उठा करके बोलिए जानकी मैया की जय। माँ जय माँ जय जय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां जय मां जय जय मां पल्लव मरा लुकाई गणई विचार करो का भाई। कई अवसर रावण तरावा संग दार बहुत खल से नहीं समझावा साम दाम भय भेद दिखावा। जय रावण कबों के नल ले करई सकासा असमन समझे गद जाए के गंस दे नहीं लरु जीव बान की हर कान समोही अदम ने लज लाज ने तोही आपे सर खद्दो समान रामई भान समान परश बदर सोई काडी जी बोला सीता दय मंग अपमान कटियो तब सिर कटन करवाना नाहि सबद बात मम वाणी सबद होत न जीवन हारी। श्याम सरोज दाम सब सुंदर प्रभु जी कर कर समझ सकंदर सोभन कंठ तपस घोरा भवन गए उधर गंधर यहाँ चाचन गंधर सीने दाजन कावनी धरे रोमो मंदर कृष्णा नाम राक्षसी एकाराम चरण रत जपन पेका सपने बोल सुनाए सपना सी कैसे सपने बानर लंका जानी जात धान सेना सब मानी खलियारो हनगंदा सीता मंडे ए विदसो दक्षिण दिल जाई लंका मन हम भीषण पाई नगर नगर भी सहाई तब प्रभु जी का बोल बुलाई। यह सपना मैं कहूँ होई है सत गए दिन चारी सासु तन सुर ते सब चढ़े जनक राके जनक परे जाता कई सकल तब सीता कर मन सोच मातृवती ते मई परे निच पोच चातन बोली कर जोरी मातृ पर संगत ते मोरी तलो दे कर बेगो पाई तला बिरा अपनी बजाई मातृ पर सा बनाई मातृ नल पर देह लगाई सत्य करे मम्मी सयाने प्रेम वचन सुरत बदर पद कई समझाए सब का पर सुरत सुनाए किसम अनल मिल सुन सुखारी कौती ताप भाव पूरा मिले ने पाप मन के सूरा जय कर कर अंगारा अब लाओ श्री कोतारा पाप समय से प्रवतन वाली बानो होए मान हरवागी सुने तेरे पंख कट शोका सत्य नाम कर हर मुक्त होगा। नूतन किसने अनंत माना दे अगिंदन करे निदाना दे परम विभाग सीता बोल कब कर हृदय विचार दीन मद्र का डार कब जन अशोक जंगार जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब देखी मंत्र का मनोहर राम नाम रंग चित अति सुंदर चकित तब मदरी पहचानी हर्ष विचारि जय अंबुलानी सकही अजय रघुराई आया जे धीरज नहीं जाई सीता मन विचार करना ना मधु
मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। श्री हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं, माँ नीचे बैठी है। रावण आया, अनेकानेक अपशब्द कह करके गया। त्रिजटा ने माँ जानकी को बहुत समझाया, लेकिन माँ रावण के शब्दों को सुनकर के अति दुखी है। हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं क्या करूं क्या। राम नाम की मुद्रिका माँ की गोदी में फेंकी। मुद्रिका को उठा करके माँ ने देखा तो अपनी ही मुद्रिका केवट को देने के लिए जो मैंने मुद्रिका प्रभु को दी थी वो मेरी मुद्रिका यहां कहां से आई। अभी माँ विचार ही कर रही थी कि मेरे राम को जीते बिना तो कोई मुद्रिका ला नहीं सकता है, और यदि किसी राक्षस ने नकली बनाई होती तो मेरे हाथ में आते ही जल करके भस्म हो गई होती, है तो असली, लाया कौन। उसी समय श्री हनुमान जी जो पेड़ पर बैठे थे बोले, कैसे बोले, मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। और एक बंदर ने बोल करके बताया कि जीवन में बोलना कैसे चाहिए। जब भी बोलो तो मधुर वाणी में बोलो, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल हो। और हनुमान जी ने माँ के सामने भगवान के गुण गाए। जब लंका में प्रवेश किया तो पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। विभीषण के आंगन में पधारे तो पहली राम कथा गाई, और माँ के सामने जब पहुंचे तो राम भगवान राम के गुण गा, रामचंद्र गुण भरने लगा। तो भगवान के गुण कैसे गाए सुनिए, और गाइएगा हमारे साथ। करुणा निधान रउआ ए जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर दैनी, मती के फेर दैनी, मती के फेर दैनी, मती के फेर दैनी, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता लगौनी हो, गीत के गले लगौनी, गीत के गले लगौनी, गीत के गले लगौनी, पेर शबरी के खैनी, पेर शबरी के खैनी, ओ पेर शबरी के खैनी, पेर शबरी के खैनी। कृपा निधान रउआ जगत के दाता है, कृपा निधान
भगवान रउआ जगत के दाता हई श्री भगवान रउआ जगत के दाता रामचंद्र गुण भरने लागा सुन तई सीता कर दुख लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जय कथा सुनाई कैसो प्रकट हो तब हनुमान तन कट चल गयो फिर बैठी मन विस्मय भय हो राम तो तुम्हें मात जान की सत्य सब करुणा निधानी हम मत का मात मैं आने दीन राम तुम कैसे जाने नर बानर संत कैसे गई संत जैसे कब के बदन सतेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मंत्र बचल यह दिवासिन हर जन जानती अधिकारी सदल में अंतुल काबल पाठी सदा रहत तो पाही जान प्रीत रस कितने माही तब संदेश सुनत वै देही कदम हृदय धीर धर माता सबरे राम सेवक सुख दाता उरिया ने उदक पद प्रभु दाई सुन मम लग निश्चर निगर पतंग समा दक्पत भवन प्रसान जरने हृदय धीर धरो जरे निसा चल जान जो रघुवीर हो सुत पाई करते नहीं विलंब दगुराई राम बान न हुए जानकी तम मरो निश्चर मार तो ही ले गई है तिहपुर नारदार जस गई है मोरे हृदय परम संदेहा हनुमान जी के ऊपर माँ को संदेह हो गया छोटा सा रूप धारण देख करके माँ को हनुमान जी पर संदेह होने लगा हनुमान जी को लगा कि माँ को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ दोनों पैर अशोक वाटिका में जमाया आंखें बंद करी और ऐसा लगा मानो रावण की सोने की लंका में कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो ऐसे विराट रूप में हनुमान जी खड़े हुए भयंकर गर्जना करने लगे जय श्री राम 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 सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति करी हम और आप भी करें काज कियो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए हनुमान जी से स्तुति करिए बाबा काज कियो बढ़ते वन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो यह हमारो
है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो बाबा संकट मोचन नाम तिहारो जय हनुमान लाली लसय और उधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दला जय 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 कवि बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की सीता मन भरोस तब भयो माँ जानकी को हनुमान जी पर भरोसा हो गया और जब भरोसा हुआ तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे बन गए जीवन में छोटे छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है जीवन में बड़ाई मिले प्रभुता मिले संपदा मिले सम्मान मिले प्रतिष्ठा मिले और जीव अपने परिवार में समाज विनम्र बनकर के सेवा करे ये केवल भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण आज तक न कोई संसार में हुआ है न आगे कभी होगा। रावण जैसा संपदावान यानी पैसे वाला आज तक कोई ना कोई त्रिलोक में हुआ है ना आगे कभी होगा। जो संपत्ति इंद्र के पास नहीं थी वो रावण की लंका में थी और परिवार एक लख पूत सवा लख नाती ऐसा कहते ऐसा परिवार था और प्रताप ऐसा था कि रावण की आज्ञा के बिना ब्रह्मा आदि देवता भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे आंख उठा करके चल नहीं सकते थे ऐसा रावण का प्रताप था। लेकिन ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है क्यों इसलिए कि रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया लेकिन बड़े से छोटा नहीं बन सका इसलिए रावण सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी पूज्यनीय नहीं बन सका और श्री हनुमान जी बंदर है और पैसे वाले भी नहीं है लंगोटी वाले हैं। हनुमान जी की प्रॉपर्टी कितनी है कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ ये हनुमान जी की प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टी के मालिक श्री हनुमान जी और हनुमान जी की पूंछ है क्या है हनुमान जी की जोर से बोले पीछे तक वाले बोले क्या है हनुमान जी की और हमारी आपकी न घर में है न बाहर है कहीं पूंछ नहीं है और हनुमान जी की हर जगह पूंछ ही पूंछ है क्यों कि हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया तो आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं इतने सीताराम जी के भी मंदिर नहीं हैं। भगवान का मंदिर तब तक अधूरा रहता है जब तक चरणों में श्री हनुमान जी विराजमान नहीं हो जाते तब तक भगवान का मंदिर अधूरा रहता है। और मंदिर कोई भी बने राम मंदिर ही नहीं कृष्ण मंदिर बने माँ का मंदिर बने शिव मंदिर बने अथवा तो कोई भी मंदिर बने जब तक पहले श्री हनुमान जी का मंदिर नहीं बन जाता तब तक मंदिर पूरा नहीं होता है। लेकिन जहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर बनता है वहां किसी भी देवी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ती बस जीवन ऐसा बने। हम और आप सबको जाना तो इस संसार से है ऐसा जीवन इस संसार से जी करके जाओ कि जाने के बाद जिस परिवार में जिस समाज में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं हमारे जाने के बाद उनके दिलों में आपका मंदिर बन जाए और ऐसा जीवन जिसका बने उसी जीवन के कांड का नाम सुंदर कांड है। बस उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी केवल इतना करें
अपने परिवार के साथ, समाज के साथ। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। बस इतना करे मंदिर बन जाएगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके माँ से कहा, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु व्याल। और तब माँ ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को एक नहीं पांच आशीर्वाद दिए। जीवन में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो, आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता। जीवन के कर्म ऐसे किए जाते हैं कि सामने वाले के मुख से नहीं हृदय से आशीर्वाद निकले। फिर जो काम एक आशीर्वाद कर सकता है कभी कभी वो कई करोड़ रुपए भी नहीं कर पाते। अपने छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद लेना सिखाएं, ये हाय और बाय की संस्कृति से बाहर निकालें। बड़ों को प्रणाम करना सिखाएं ताकि बड़ों के मुख से निकले सदा सुखी रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान तुम्हें सब सुख से समृद्ध कर दे। ऐसा ये हाय हाय करने से क्या होता है, सब कुछ मिला होता है फिर भी हम हाय हाय कर रहे होते हैं। मन संतोष सुनत कपि बानी भगत प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना हो बहुतात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो करौ भवत रघुनायक छो, करौ कृपा प्रभु अस सुन आना निर्भर प्रेम। तिन कर भय माता मोहिना सुख मान, देख बुद्ध बल निपुण कपि कहब जान की जान, रघुपत जैसे ही माँ की आज्ञा मिली हनुमान जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और माँ से कहा, माँ आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन माँ मुझे पता है अब मुझे राक्षसों से लड़ना पड़ेगा। आप आदि शक्ति जगदम्बा हैं, माँ मुझे शक्ति दो कि मैं इन राक्षसों से लड़ सकूं। रखियो हो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया हो, रखियो हो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया जगदम्बे। शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया, आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया। जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे।
ਜਲਾ ਇੰਦ ਤਤ ਚੋਦਾ ਮੰਦਰ ਸੰਤਰ ਅਬਜਾ ਕੋਦਾ ਕੰਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਟਾ ਵਾਤਰ ਕਨਾਇ ਕਰ ਨੈਦਾ ਵਾਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰਵੇ ਕੋ ਪਾਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਨੀ ਲੰਕੇ ਸਮਾਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਵਰਦਾ ਕੇ ਲੰਗਾ ਦੇ ਗਨ ਮੈਂ ਤੇ ਯਮ ਆਪਣੇ ਨੀ ਬਾਤਾ ਹਿ ਚੰਦਾ ਜਪ ਕਲਮਾਨੋ ਗਦਰਾ ਜਾ ਭੁਜਾ ਰਾਤਨ ਕਾ ਹੀ ਕਾਇ ਤੇ ਮਚਾਈ ਸਭ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ ਵੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੰਜਾ ਭੰਜਨ ਜਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸਾਧਾ ਸਾਰੀ ਗਰਭ ਸਵੈਤ ਨਿਸ਼ਚਰ
नारी नाग सिंह गए पर या वासर किल किला कबीर सुनावा हर शे सब लोग हनुमाना नूतन जन्म कबीर तब जाना मोह सुगंध तन के राजा की नाम मिले सकलत भय सुकारी तलपत मीन पाओ जिम भारी चले हर तरफ नायक पाजा पूजो कल राम कपिन जब आवत देखा किए काज पर भरत से पट से ला बैठे रघुमान करे सकल कब चरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री हनुमान जी ने पूरी लंका दहन करके माँ की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे वापस उतरे। सभी बंदर भालुओं के चरणों में आकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया। जामवंत और सुग्रीव सभी बंदर भालुओं को हनुमान जी को साथ लेकर के जब प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े और प्रभु ने सभी बंदर भालुओं को अपनी ओर आते हुए देखा तब एक शिला पर विराजमान हुए और सभी बंदर भालुओं ने जाकर के भगवान राम और लखनलाल जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का और लखनलाल जी का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्री लखनलाल की श्री हनुमान जी महाराज। सुंदरकांड में पहली बार भगवान का प्रवेश हुआ है, इसलिए एक दो मिनट की स्तुति सुनिएगा और गाइएगा और कोशिश करेंगे कि 10:30 बजे विराम हो। तेरे दर पे आके जिंदगी मेरी लड़खड़ाती संभल गई। तेरे दर पे आके जिंदगी मेरी लड़खड़ाती तेरे दर पे जिंदगी मेरी लड़खड़ाती संभल गई। तेरे दर पे आके जिंदगी मेरी लड़खड़ाती संभल गई। प्रभु तेरी नजर का कमाल है सब तेरी कृपा का कमाल है सब तेरी कृपा का कमाल ओ सब तेरी नजर का कमाल है सब तेरी I'm
तेरी ज्योति में वो कमाल है, 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 जिसका राज पाना मुहाल है, जिसका राज पाना मुहाल है, जिसका राज पाना जले जिस मकाम पर ज्योति तेरी, जले जिस मकाम पर जले जिस मकाम पर ज्योति तेरी। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तेरी ज्योति में वो कमाल है, तेरी ज्योति में वो कमाल है, जिसका राज पाना मुहाल है, जिसका राज पाना मुहाल है, जले जिस मकाम पर ज्योति तेरी, जले जिस मकाम पर ज्योति, वहां मौत करवट बदल गई, प्रभु तेरी नजर का कमाल है, वहां मौत करवट बदल गई, वहां मौत करवट बदल गई, प्रभु तेरी नजर का कमाल है, वहां मौत करवट बदल गई। अब सुन ले प्रभु मेरी, मुझे नहीं जहां से कोई वास्ता, मुझे नहीं जहां से कोई वास्ता, मैंने सर को दर पे झुका दिया, मेरी दुनिया सारी बदल गई, प्रभु तेरी नजर का कमाल है, मेरी दुनिया सारी बदल गई, मेरी दुनिया सारी बदल गई, प्रभु तेरी नजर का कमाल है, बदल गई, प्रभु तेरी नजर का कमाल है, बस कमाल है, सब तेरी नजर का कमाल है, सब तेरी नजर का कमाल है, सब तेरी कृपा का कमाल है, सब तेरी कृपा का कमाल है। रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, हे चला ना तब चले पर तो नाम बंद कर, हां करो तो काया काय चला सुन निरंतर सुन निरंतर तो कोई विजय शाका मिक्के बड़ मनसाई शाका।
ਸੰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
लगे जाऊ आए शर्त जौने ताहु धर्म को जी मुझ ही कट को दरा से कभी पापों का सा स्वभाव भजन मोरते भाव काऊ जो पै जस रस होई मोरे सब प्यार की कोई निर्बल नंदन तो मई मामा कोई छल छत्र भाव भेद ले बटवादा सी जा दबाऊ गज में हाथ के साथ जग मत का निशाचर देते को धने की बसवा देते जो सभी भाव सनाई ओ भय भांति ते ही पाने हो बस कह कृपा निके जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समय सादर ते ही आगे करि बानर चले जहां रघुपति करो नाथ सहज पाप प्रिय तामस देहा जगाओ कोई तुम पर विभीषण जी को रावण ने लात मार करके निकाल दिया। जब विभीषण ने रावण को बहुत समझाया और रावण की लात खाने के बाद श्री विभीषण जी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। श्रवण सुयश सुनियायहु प्रभु भजन भव वीर के त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी भगवान की शरण में आए, कब आए? जब रावण की लात पड़ी तब आए। और भगवान की शरण में आने के बाद बोले, प्रभु मैं किसी भी लायक नहीं हूं कि मैं आपकी शरण में आ सकूं। रावण का भाई हूं, निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं नालायक हूं प्रभु, इसलिए आपको नहीं अपना सकता, लेकिन आप तो मुझे अपना सकते हैं। प्रभु आप तो लायक हैं, इसलिए मेरे राम मुझे अपना लेना हो, मेरे राम मुझे अपना ले, अपने चरणों का दास बना लेना, अपने चरणों का दास बना लेना, मेरे ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, इसलिए आया हूं रघुबर मैं तुम्हारे द्वार पे। अब मुझे तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, जो न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। जरा नाम की लाज बचा लेना हो, जरा नाम की लाज बचा ले, अपने चरणों का दास बना लेना, अपने चरणों का दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना। अब तक मैं रावण का था, अब ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है प्रभु जी, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है,
ऊर्जा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा है। हम लाख पूरे ही सही कहलाते तो तुम्हारे हैं, हम लाख पूरे ही सही कहलाते तो तुम्हारे हैं। एक नजरें करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है, एक नजरें करम कर दो, क्या है। ये सुनते ही भगवान खड़े हो गए, अस्कई कर दंडवत देखा तृत उठे प्रभु भज विषय का दीन बदलत ब्रह्म भावा भुज विशाल गए अरस्त हित में डिग बैठा रे बोले ब्रह्म भगत बहारे कालंके सहित परिवार कलमंडली बसो दिन राती सका धर्म ने भय कई भांति मैं जानो तुम्हारा सरिति पर बरबास रखकर दाता तुम संग जंदे विधाता अपन से कुशल लौराया जो तुम की न माता राम का
जाए यत पानन पूजी माता का सुन सब काम पर कुछ लाता पुनको खबर विभीषण तेरी जाए तू आई है तेरी प्रकार लंका सब जागे हुई है जब कर कीजे भागे पुनको भागे करताए जिनके जीवन पर रखवारा में हो मगर चंद संत बिचारा होता जिनके रात और जिनके हृदय रात और की भाई बैठ कर गए परम क्रोध में जय सभाता आश में दे रघुनाथा सो गए सिर सहित जगदाला पूरे न पर पद गद मिल भई दसी सा ऐसे बदन कहीं सब पीछा कर जय कर जय कर जय संगा मानव संत सात का भाल सब पंत पर प्रभु राम रावण काल कोट कहो की जय राम देव पद पद बुलाई से हाथ सब कहीं गाई सब सब एक सो सब सब तब तक दास बुलंद सागर माही मंगल पंत्र पामन माहे तुरंत बदन ने सागर सी सब हो साज वीर कर बदन धाई सागर संधा नी मचलाई बोल दाता कस बढ़ाई बल वो दे राम भाई तीसन जाके तेर भूत कहां जगता के सुंदर रुद्र सारी सब चार रखा तारे रामान तीनी अपाती नाथ जाय सदा वो छाती जस बाम कर लेने रावण जी वो सलाग बनावन पातन मने जी जाय सदा जनगाल सुमीत राम रो नौ रसी सर्वेश्वरी कीतन मान अन जीवा प्रपद पंग धंग होय राम सदा बानी समझो छाड़ प्रकट अब मानी सुनाओ वचन मम पर है क्रोधा नाथ राम को मैं लगी स्वभाव जग बखे लोक कदा हो मृत का तुम पर तुम कर ही रक्षदा रघुनाथ दीजे दीजे नाय चरण से चला सुना हाथ पास द्रव नायक जहाँ कर राम ने कथा सुनाई राम शाप भवानी रक्ष थे उदहा मन ज्ञानी बन राम बन बारे बारा बिने न मान चढ़ गए तीन दिन बीत बोले राम सो सब मेर प्रीत कांत रासन नान सो को बात सिख सान सतर मिले सर दीदी मन सच तो दीदी हम तार सन ज्ञान कहानी अतो भी सन सत बखानी तोरे सम कहानी है कथा हो जमी तू कथा कह रख पंचाप चढ़ावा जम तक तुम के मन भावा संगानी मगर उड़क जगत अपनाने सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुस्का जही विधि उतरे कपि कट को तात सुभय नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋष आशित पाई तिनके परस दिए गिर भारे धरि जलद प्रताप कुमार मैं अपनी ओर धरि प्रभु प्रभु थाई करि अब बल अनुमान सहाय हे विधि नाथ पयो नि बधाई जहि अस जस लोक दिन गाई शरम मम उत्कर तत वासी अतो नाथ नल नर अजरासी सुन कृपाल सागर मन पीरा गुर तई हरि राम रन पीरा जेकि राम बल पौरुष थारी हर्ष पयो नित भय हो सुखारे सकल चरित कहि प्रभु हि सुनावा चरण बंद पायो दुसलावा जब भवन कवने उ सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भाय हो यह चरित कल मल हर जका मत नास तुलसी वायो सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोसा वही Yes.
सब तुम्हारी कृपा है प्रभु जी, ये सब तुम्हारी कृपा है प्रभु जी। के बात अब तक बनी हुई है, सब लोग गाइएगा। इस कृपा के कहां तक काबिल, मैं इस कृपा के कहां तक काबिल, मैं इस कृपा के कहां तक काबिल, मैं इस कृपा के कहां तक काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है मेरे हुजूर की बंदा परवरी, मेरे हुजूर की बंदा परवरी है मेरे हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम साथ हो जो मेरे, तो किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। इसलिए किसी का एहसान क्यों उठाएं, ताली बजा के गाइए। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी का एहसान क्यों उठाए। एक बार सारे वाद्य बंद कर दीजिए, इनसे गाने दीजिए। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, रहे सलामत तेरी ये निस्बत, रहे सलामत तेरी ये। मेरा तो एक आसरा यही है, मेरा तो ए प्रभु मेरा तो एक आसरा यही है, मेरा तो ये सब तुम्हारी कृपा है प्रभु जी, ये सब तुम्हारे भजन राम को पावे। और फिर जन्म जन्म के राम मिलता है तो जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। राज सबने, हम सबने मिलकर के हनुमंत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद मानस सुंदरकांड यानी हनुमान जी के चरित्र के को गाया है। इसलिए भरोसा करके उठिएगा कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे, राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के
झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। कौन के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, श्री राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सियज के हाथ अबीरा अवध में, सियज के हाथ अबीरा, सियज के हाथ अबीरा अवध में, अर होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, आज खुल जाएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिं देत रहिं भव सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलेश विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम पंचमः सोपान समाप्तः, श्री सुंदरकांड समाप्तः, श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। बोलिए रामचंद्र भगवान। अब आरती होगी, आप सभी से निवेदन है कृपया नीचे खड़े होकर आरती करें और एक दूसरे को आरती की थाली पहुंचाते जाएं। आदरणीय श्री कैलाश मकवाना जी,